अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में सांस की बारीक नारियां जिनको हम ब्रोंकियूल्स कहते हैं, उनके इन्फेक्शन को ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस एक ऐसा मर्ज है जो कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी क्या अलामत हैं, इसका क्या इलाज है, कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमने घर पर अपनानी है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस की अलामत और इसके मुकम्मल इलाज के बारे में। ब्रोंकोलाइटिस फेफड़ों का एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी अलामत काफी हद तक नमूनिया यानी चेस्ट इन्फेक्शन से मिलती जुलती हैं। ब्रोंकोलाइटिस अमूमन 2 साल से छोटे बच्चों को मुतासर करता है, खास तौर पे वो बच्चे जो कि 6 माह से छोटे हैं, उनमें मुदाफ़ती निज़ाम ज़रा कमज़ोर होता है, तो उनमें ब्रोंकोलाइटिस की अलामत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। ब्रोंकोलाइटिस एक खास किस्म के वायरसेज होते हैं जिससे बीमारी फैलती है, जिसमें RSV वायरस है, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और एडीनो वायरसेस शामिल हैं। ये तमाम वायरस जो बच्चों में सांस के रास्ते अंदर जाते हैं, यानी अगर कोई बच्चा या बड़ा घर में खांस रहा है और उसको फ्लू का इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो वो वायरस छोटे बच्चों के नाक और मुंह के रास्ते फेफड़ों में चला जाता है और वहां सांस की जो बारीक नालियां जिनको ब्रोंकियूल्स कहते हैं उनकी सोजिश करता है, जिसकी वजह से नालियों में सुकड़ाव आ जाता है। और बच्चे में जो अलामत आती हैं उसमें खांसी है, बुखार हो सकता है, या बच्चों की फीडिंग, खाना पीना कम हो सकता है। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करे तो सांस तेज़ रफ्तारी से चलना शुरू हो जाता है, यानी बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। और अक्सर बच्चे अगर बीमारी बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो वो उनका रंग नीला भी पड़ सकता है या सांस रुक भी सकता है। उसके अलावा सांस से सीटियों की यानी विस्लिंग साउंड्स आना, जिसको हम वीजिंग कहते हैं, वो भी एक इसका एक खास किस्म का साइन है जो कि ब्रोंकोलाइटिस के मर्ज में देखा जाता है। ब्रोंकोलाइटिस अमूमन नज़ला, जुकाम और हल्की फुल्की खांसी से शुरू होता है और कुछ दिनों के बाद यानी 3rd, 4th, 5th दिन जाके ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है, यानी इसकी अलामत में ज़्यादा शिद्दत आ सकती है। और उसके बाद इसको ठीक होते होते तकरीबन 7 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन बाज़ुकात बच्चों में ये देखा गया है कि ये बीमारी 2 से 3 हफ्ते तक भी अलामत इसकी रह सकती हैं, यानी उनकी खांसी बेहतर होने में 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। अमूमन ये बीमारी क्लिनिकली आपका डॉक्टर आपके बच्चे को देखकर इसकी तशखीस कर सकता है, अमूमन इसमें ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ुकात आपका डॉक्टर आपको कुछ बुनियादी टेस्ट तजवीज़ कर सकता है, जिसमें CBC CRP शामिल है और छाती का एक्सरे भी शामिल है। और अगर आपने वायरस को कंफर्म करना है तो उसके लिए PCR टेस्ट आता है, जिसपे ये कंफर्म भी हो सकता है, लेकिन ये आपका डॉक्टर आपके बच्चे की जरूरत के हिसाब से आपको तजवीज़ करेगा। अमूमन हमें रूटीन में इन तमाम टेस्टों की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी अलामत नमूनिया से बिल्कुल मिलती जुलती हैं तो उसमें फिर आपका डॉक्टर आपको ये टेस्ट तजवीज़ कर सकता है। ब्रोंकोलाइटिस की जो अलामत हैं वो बच्चों में हल्की फुल्की नज़ला, जुकाम, खांसी भी हो सकती हैं और शदीद अलामत भी हो सकते हैं, जिसमें सांस का तेज़ चलना या फीडिंग का कम करना शामिल है। तो अगर आपके बच्चे का सांस तेज़ है, उसको फीडिंग में इशू आ रहा है, या बच्चा गुनूदगी की कैफियत में यानी बहुत ज़्यादा निढार हो रहा है, तो कभी भी घर मत बैठें, फौरन एमरजेंसी में अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपके बच्चे की असेसमेंट करके वो बता सके कि या इसका अपने घर पे इलाज करना है, या इसकी जिस्म में ऑक्सीजन तो नहीं कम हो रही, या इसको हॉस्पिटलाइज करवा के इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत है। अमूमन वो बच्चे जिन पे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा नहीं होती, हल्की फुल्की अलामत होती हैं, उनमें हम ये तजवीज़ करते हैं कि बच्चे को पैनाडोल के ड्रॉप्स या सीरप दें सुबह दोपहर शाम, जितने दिन बच्चों को बुखार है। बच्चे का अगर नाक बंद है तो नाक में सेलाइन ड्रॉप्स डाल के उसको बल्ब सकर से साफ किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे रात को आराम से सो सकते हैं और सांस लेने में दुश्वारी में कमी वाकया होती है। तो जब तक उनका नाक बंद है तो बल्ब सकर से और सेलाइन ड्रॉप से उनका नाक आप बार बार साफ करते रहें। अमूमन इसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, इसने अपना टाइम पीरियड लेना ही लेना है। उसके अलावा जो आप घर पे कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे को ब्रोंकोलाइटिस वाली अलामत आ रही हैं, तो आप सिंपल हाइपरटॉनिक सेलाइन लेके 2 से 3 ml हाइपरटॉनिक सेलाइन को आप नेबुलाइजर में डाल के बच्चे को मास्क नाक मुंह के करीब रख के नेबुलाइज करवा सकते हैं। इस तरीके से आप सुबह दोपहर शाम उसको नेबुलाइज करवाएं, तकरीबन 7 से 10 दिन उसकी खांसी में, उसके सांस लेने के अमल में बेहतरी आएगी। और अगर आपके बच्चे को ज्यादा स्पैज्म है, ज्यादा वीजिंग आ रही है, ज्यादा उसकी सांस में सीटियों की आवाजें आ रही हैं, तो आपका डॉक्टर आपके बच्चे को एटम या क्लैनल के सॉल्यूशन के साथ नेबुलाइज करवाने का भी कहेंगे। याद रखें, अगर बच्चे के सांस की रफ्तार तेज नहीं है तो उसको माँ का दूध या डब्बे का दूध या जो भी आप दूध दे रहे हैं वो पिलाते रहें। उसकी गिजा को हरगिज बंद मत करें, क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान बच्चे के जिस्म को ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। अगर आप खाना पीना, उसका दूध, उसकी गिजा को बंद कर देंगे तो बच्चे का वेट लॉस बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा कोशिश करें बच्चों को विटामिन ए के ड्रॉप्स और जिंक का सप्लीमेंट
तकरीबन 2 हफ्तों के लिए लाजमी लें, क्योंकि जिंक और विटामिन ए इन दोनों का रोल है जिस्म में सांस के रास्तों की मुदाफियत बढ़ाने में। ब्रोंकाइटिस से हम कैसे बच सकते हैं? कोशिश करें वो बच्चे जो बिल्कुल छोटे हैं, यानी इन्फेंट्स हैं, 1 साल से छोटे हैं, ज्यादा गैदरिंग्स में, शादियों में, फंक्शंस में उनको कम लेके जाएं, क्योंकि उनकी मुदाफियत कम है। आम जो किसी का नज़ला जुकाम खांसी का जो आम जरासीम है वो उन बच्चों में शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जो कि ब्रोंकाइटिस कर सकता है। तो गैदरिंग्स में उनको कम से कम लेके जाएं, उसको टच बच्चे को कम से कम करें, जब भी जरूरत हो बच्चे को हाथ अपने धोकर साफ करें, हाइजीन का खास ख्याल रखें। और अगर घर में माँ बाप या किसी और फैमिली मेंबर को फ्लू खांसी जुकाम चल रहा है तो वो बच्चे से थोड़ा डिस्टेंस पे रहें जब तक उनका फ्लू खांसी ठीक नहीं होता। वो बच्चे जो कि 6 माह की उम्र से बड़े हैं उनसे फ्लू से बचाव के लिए फ्लू वैक्सीन आप हर साल लगवा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारामद साबित होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।